क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्यों आया आज आप जी? हमारा आने का पर्पस यही था कि जो हमसे हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, जो मतलब नौकरी का झांसा देकर हम लोगों को फंसाया गया। एक संतोष कुमार का नाम के व्यक्ति हसारी में रहता है, जो कि उसकी बहन जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो उन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है कि उन्होंने सबसे पहले तो सारे लोगों को बुला के एक बताया कि हमारे पास जो रेलवे में कोच फैक्ट्री में वैकेंसी निकली है, तो वो क्या है, आपकी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो हम लगवाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ बता के और कुछ एक दो प्रूफ भी बताया कि हम ऐसा काम करवाते हैं। तो उन्होंने हम सारे लोगों से ये सारी चीज़ें लेकर और एक एक छोटा अमाउंट उन्होंने हमसे वसूल किया। उन्होंने बोला कि आधे पैसे आपको अभी देना पड़ेंगे, आधे आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आपको आधे पैसे आपको जैसे आपको किस्तों में पे करना है तो आप किस्तों में पे करिए, या फिर आपको इकट्ठे देना है तो आप इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उनकी बात पर एग्री करके उनको आधे आधे पैसे सारे लोगों ने दे दिए। तो अमाउंट लगभग हम लोगों ने 50,000 रुपये दिए था और उसमें पर व्यक्ति के हिसाब से 50,000 रुपये दिया था। अब इसमें हम लोग करीब 10-15 लोग अभी जो हम लोग शामिल हैं, तो सारे लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर आए इसी आश्वासन से कि हमारी सुनवाई हो और हमारा पैसा हमको वापस मिले। संपर्क किया आप लोगों ने? संपर्क करने की एक महीने से ज़्यादा हो गया, कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा ये प्रोसेस था, एक साल हो चुका है ऑलरेडी, इस प्रोसेस को एक साल से ज़्यादा हो चुका है। एक महीने पहले हम लोगों ने फ़ोन किया था, तो जब से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कौन है और आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इससे? मुलाकात एक दोस्त के थ्रू हुई थी, वो असारी में रहता है। क्या करते हैं ये, कैसे मुलाकात हुई आपकी? ये इनकी मुलाकात हमसे ऐसी हुई थी, एक दोस्त था मिलने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ये काम करवाते हैं, शुरू से ये काम करवाते हैं, टीचिंग लाइन में है, पढ़ाते भी हैं वो, और उनकी बहन है वो गवर्नमेंट टीचर है और उनका खुद का कंप्यूटर का क्लासेस भी चलता है असारी में। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के पैसे वापस दिलाए जाएं। आज आप कहाँ पर आए हो? SSP ऑफिस आए हैं। SSP ऑफिस में आकर हम लोग चाहते हैं कि SSP साहब हमारी सुनवाई करें, हम लोगों के सारे पैसे वापस दिलाएं।